जाइए, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। देखिए ये अरबी का पत्ता है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं अरबी का पत्ते का सब्जी किस तरह से बनाया जाता है, घर में किस तरह से सब्जी बनाएंगे। ये देखिए बड़े बड़े पत्ते हैं, कोमल कोमल, बहुत बड़े ही पत्ता है। देखिए इस तरह से आप भी पत्ते को ले लीजिए और सबको धोकर फ्रेश कर लीजिए। और देखिए ये पत्ते मैंने इसको पलट कर रखी है और इसके पीछे मैंने कुछ लगाने जा रही हूँ। ये देखिए मेरे इमली का, इमली मैंने फुला कर रखी, ये इमली मैंने कटोरे में फुला कर रखी है। और ये पत्ते हैं, देखिए मैंने पत्ते को इस तरह से बिछा कर रखी है। और मैंने ये इमली का इमली को फुला कर कटोरे में रखी थी, इसमें मैंने इसको निचोड़ कर बाहर निकाल, इमली को बाहर निकाल ले रही हूँ। इसका बीज वगैरह जो भी है वो बाहर मैंने फेंक निकाल कर मैंने इसको फेंक दे रही हूँ। और इसको इस तरह से मैंने लेकर, आपको देखिए ये पानी मैंने निकाल ली है और इसमें मैंने अब क्या क्या डाल, सो आपको मैंने इसमें 100 ग्राम भर बेसन मैंने डाला है और 100 ग्राम बेसन डाल दी हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाली, मैंने इसमें हल्दी गुंडी डाल दे रही हूँ थोड़ा, और नमक स्वाद अनुसार इसमें मैंने डालकर, देखिए अब इसका पेस्ट मैंने तैयार कर रही हूँ। और इसको मैंने कच्चू के, इसको पेस्ट तैयार कर रही हूँ और इसको कच्चू के पत्ते के ऊपर मैंने तह तह करके मैंने लगाऊंगी और आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको लगाना है पत्ते के ऊपर। और ये देखिए मैंने इस पत्ते को पलट कर रखी हूँ और इसके ऊपर देखिए मैंने बेसन इस तरीके से इस पत्ते लगा रही हूँ। और आप भी इस तरह से पत्ते तह तह करके आप इसको लपेटिए और फिर लपेट कर इसको देखिए इसमें मैंने लगा ले रही हूँ। और इसको फिर आप मैंने देखिए इस तरह से लगा कर रखी हूँ और आप भी लगाइए इस पत्ते को। मेरे वीडियो को देखिए, इस तरह से मैंने अरबी के पत्ते को सब्जी बना रही हूँ। इस तरह से आप भी इसको लगाइए, लपेटिए। इस देखिए मैंने चारों तरफ से इसको लपेट ली हूँ और इसको इस तरह से आपको मोड़ना, मैंने इस तरह से मोड़ रही है और इसका चारों कोना मैंने मोड़ रखी। इस तरह से आप भी इसको चारों कोना एक बराबर से मोड़ लीजिए। ये मोड़ने में बहुत ही दिक्कत से मोड़ाती है। और ये देखिए मैंने इस तरह से इसको मोड़, और आप इसको इस धागे के सहारा से देखिए इस तरह से मैंने मोड़ ली है। देखिए ये मेरा तैयार हो गया है। और देखिए मैं इसको धागे से बांध रही हूँ, इसको बांधने से ये खुलकर बहता नहीं है, इसका पेस्ट बहता नहीं है क्योंकि इसको बांधने से ही अच्छा। और ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे को पूरे बांध ली है, ये देखिए मैंने इसको बांध ली। और इसको फिर मैंने इसको बांध कर मैंने गर्म पानी रखी है, गर्म पानी मैंने चढ़ाया। देखिए ये लहसुन मिर्चा और सरसों का पेस्ट है, इस ये मैंने टमाटर काट कर रखी है। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको उबाल कर निकाल ली है, ये देखिए मैंने इस तरह से उबाल कर निकाल ली है। और इसको मैंने चक्कू द्वारा मैंने इसको पीस पीस के हिसाब से मैंने काट लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको पीस पीस काट रही हूँ। देखिए ये मेरा तेल गरम हो चुका है और मैंने रखी हूँ, और ये तेल मेरा गरम हो चुका है। इसमें मैंने देखिए इसको मैंने देखिए काट कर रखी हूँ और इस तेल में मैंने छान रही हूँ। आप इसको इस तरह से छानना है आपको। देखिए मैं 6 से 7 पीस डाल दी हूँ और ये छना, इसको ब्राउन होने तक मैंने छान रही हूँ। ब्राउन होने से ये कलर बहुत ही सुंदर आएगा। ये सारा छान लेती हूँ, छानकर आपको फिर दिखा रही हूँ
किस तरह से मैंने ये कच्चू के पत्ते को छान, देखिए मैंने सारा को सारा छान रही हूँ। इस तरह से छानिए और देखिए ये कच्चू के पत्ता छना रहा है बहुत बढ़िया ही। देखिए ये मैंने इसमें छान ले रही हूँ। तो गाइस देखिए ये मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मैंने इसको सारा निकाल कर प्लेट में रखी हूँ। तो देखिए मैंने इसको सारा का सारा निकाल ली हूँ भून कर, और ये मेरा तेल गर्म हो चुका है। इसमें मैंने लहसुन और मिर्चा और सरसों का पेस्ट बना कर रखी हूँ, हल्दी नमक और ये कश्मीरी मिर्च मैंने रखी हूँ। इसको अब कढ़ाही में अब डालने जा रही हूँ। ये मेरा टमाटर है और देखिए मैंने ये इस मसाले को कढ़ाही में डाल दे रही हूँ और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। इसको मैंने देखिए इस तरह से चला रही हूँ, आप भी इसको गोल्डन ब्राउन तक भूनिए और इसको एक बराबर चलाते रहिए मसाले को, क्योंकि मसाला जलना नहीं चाहिए, जलने से मसाला का स्वाद खराब हो जाएगा। और इसमें मैंने देखिए ये इस तरह से भून रही हूँ और ये देखिए इस तरह से मैंने बराबर के हिस्से में चलाती जा रही हूँ मसाले को और भूंज रही हूँ मसाले को एक बराबर फ्लेम पर। और ये मैंने कटे टमाटर को भी इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि टमाटर डालने से स्वाद अच्छा आता है। और ये देखिए मेरे मसाले बहुत ही सुंदर से भून रही है, बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा है। और ये मसाला मेरे भुना चुका है और इसमें मैंने अब ये मैंने इसमें पानी डाल दी हूँ और ये मेरा अब इसका तैयार हो चुका है, जो हम लोग तरी बोलते हैं वो मेरा तैयार हो गया है। और देखिए बहुत ही तेज़ फ्लेम पर मैंने इस तरी को खोला रही हूँ, क्योंकि मसाला इसका बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए मैंने अब गैस को बुता दी है, क्योंकि गैस बुताने से ही ये कच्चू पत्ता का जो पीसेस है मैंने एक एक पीस करके इसमें डालूंगी। एक साथ ना डाले, क्योंकि एक साथ डालने से इसमें सारा सब्जी खराब हो जाएगा और कोई भी स्वाद नहीं आएगा और देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए जब भी डाले तो एक एक पीस कर इसमें डाले, इससे सब्जी स्वादिष्ट बहुत ही अच्छे बनेंगे और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आ चुका है। देखिए गाइस मेरा ये कच्चू मतलब अरबी का पत्ता का सब्जी तैयार हो चुका है और ये आप चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व करें और खाकर आप इसको बताइएगा कि ये सब्जी में कैसा स्वाद है, टेस्ट कैसा है। आप भी इसको घर में बनाइए और यदि मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे घंटी को ज़रूर आप दबाइएगा। ये मेरा अरबी का सब्जी तैयार हो गया है मतलब रेडी हो गया है और मेरे घंटी को आप ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय।